नमस्कार जी सभी को। देशवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिन पहले एक वीडियो पर कमेंट आई थी कि आप सोनू का मेकअप कराओ किसी दिन, तो आज वह घड़ी आ गई है भाई। आज मैं थोड़ा चेंज कराऊंगा, इसने इसके बाल जो हैं ये देखो किस तरह के हो रहे हैं, इनका कराऊंगा मैं हेयर सपा हो यार ना सोनू को, हेयर सपा कराऊंगा यार सोनू का और फेशियल करवाऊंगे। तो हमारी एक बहुत ही अच्छी बहन जी हैं, अच्छी है कहूंगा, ये आर्टिस्ट हो हैं लोग, वैसे मेकअप आर्टिस्ट हम बोल सका हमने, तो आज वो हमारे घर पर आओगी। पूजा बहन जी है जो कि झज्जर से हैं और वह घर पर आकर मेकअप कराया करें दोस्तों। तो उस बहन का आज मेकअप देखना और देखना सारिका जी ने वह किसी बना के छोड़ देगी, तो वीडियो में बने रही हो दोस्तों, आज मजा होगा। तो जी ये है हमारी बहन जी पूजा जी। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कैसे हो आप? कितना टाइम लगे आपको झज्जर से आने में? डेढ़ घंटा। तो भाई ये वो बहन जी है जो सारिका जी ने आज चेंज करेंगी। अभी देख लो इसकी शक्ल देख लो, और बहन जी जब फेशियल करेंगी तब इसकी शक्ल देख लियो भाई, काफी बदलाव आज होगा सारिका जी में। अभी बहन जी को भाई चाय पानी पिला दें और फिर मैं बताऊंगा आप लोगों ने कि बहन जी की जो फैसिलिटी है वे के हो हैं। इस चेहरे का भाई मेकअप शुरू हो जाएगा, ठीक है? आओ बहन जी आओ, स्वागत आपका। तो जी पूजा बहन जी को पानी पिला दिया और चाय भी पिला दी है भाई। कदे को भाई कमेंट करे, चाय हमने दिखाई नहीं, वैसे हमने पी ली है। तो सबसे पहले करते हैं बहन जी से बात। बहन जी आप अपने काम के बारे में एक बार बताओ कि आप क्या काम करते हो और किस तरह से काम करते हो, और कितनी आपकी टीम है और कौन कौन से आपके काम है? हमारी जैसे 3 लड़कियों की टीम है और 2 लड़के हैं हमारे साथ जी। केमिकल का काम करते हैं, मेरा ओनली ब्यूटी का है, जैसे हम घर जाके सर्विस देते हैं जी, ओनली फॉर लेडीज को जी, जैसे फेशियल हो गया, मैनीक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, हेयर स्पा हो गया, भिवाड़ी, मानेसर, झज्जर, बहादुरगढ़, ऐसे जाते हैं। अच्छा, आपके शहर हैं जैसे कि भिवाड़ी, मानेसर, झज्जर और बहादुरगढ़, इन शहरों में आप घर पर जा गए, जो अपना ब्यूटी पार्लर का काम है वो सर्विस दो। हाँ जी। तो मेन काम क्या क्या आप लोग करते हो लेडीज का? जैसे है मेन जैसे फेशियल ही है हमारा जी, कटिंग वकटिंग हो गया जैसे। अच्छा, कटिंग का भी आपका? कटिंग का भी है जी, मतलब मेन सारा ही करते हैं लेडीज का, दुकान जितना भी हो है टोटली भाई, अपना ब्यूटी पार्लर का जितना भी काम हो सारा ही करते हैं। केमिकल का जैसे हम लड़के बुला लेते हैं तो वो करते हैं हमारा। अच्छा, जैसे कि शादियों में जब दुल्हन वगैरह सजाई जा तो इस तरह की फैसिलिटी भी आपके पास? हाँ, वो भी है। हाँ जी सब है। तो आज ये बताओ सारिका जी को आप क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे? आज मैडम काम फेशियल करेंगे और हेयर स्पा करेंगे। हेयर सपा और फेशियल? हाँ। तो ये हेयर सपा क्या होता है मैडम? हेयर सपा जैसे हम फेशियल कर रहे हैं जी, ठीक है, जैसे डस्ट हो जाता है फेस पे, हाँ। ऐसे हमारे बालों पे भी डस्ट हो जाता है। अच्छा, तो स्मूथिंग करने से पहले एक बार हम सोच रहे हैं कि हेयर स्पा कर दें इनको। अच्छा, थोड़ा सा रिपेयर हो जाए। तो हेयर स्पा कराने के बाद फिर कितने दिन बाद दोबारा ट्रीटमेंट आप बताओ थे इसका होगा? 1 हफ्ते बाद आएंगे फिर हम। 1 हफ्ते बाद? तो उसमें 1 हफ्ते बाद आप क्या करोगे? रिबॉन्डिंग करेंगे। रिबॉन्डिंग? अच्छा, मन तो नाम भी लेने का माओ बहन जी, जो काम इस तरह का आपका, क्योंकि हमने तो पता नहीं है ज्यादा इस काम का। तो चलो जी, सोनू बहुत खुश है देखो, और पूजा की सोनू की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लगी, काफी सारी बातें इन्होंने कर ली। कैमरे के सामने देखो शर्म आ रही है, क्योंकि आज भैया शर्म आनी रही है, इसका चेहरा भी बदलेगा और इसके बाल भी चेंज होंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा वहां कि बहन जी किस तरह से वो काम करे अगर घर पर आ गए। ये बहन जी ने अपना पिटारा खोल दिया है भाई, जो चेहरा ने सुंदर बना हुआ है उसका सामान देखो इस तरह तो है। मन तो पता नहीं भाई के है वो। ये सबसे पहले सोनू का फेशियल होगा। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों ने, या कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बहन जी मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि भाई हम इस तरह से सर्विस दें, हाँ ये मेरे व्लॉग देखा करें, तो बहन जी ने कही कि मैं एक बार सोनू जी से मिलना चाहूँ और थोड़ा बहुत उनका मेकअप भी करना चाहूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पर बहन जी को वहां कर दी थी, अपनी लोकेशन वगैरह भेज दी थी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया कोई प्रमोशन वीडियो है, प्रमोशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, बहन जी खुशी के लिए। अरे भाई 2 लोग का मैं बात पहुंच गया, क्योंकि देखो काफी मेहनत करे हैं और काम चलना चाहिए भाई। मैं तो न्यू ये कहूँ आप लोग इस वीडियो ने जरूर शेयर करियो दोस्तों पूजा बहन जी के लिए। तो जी ये देखो यहाँ पे सारिका जी बेड पे लौट गई है,
और भैंसिया ने जो पट्टा बांध दिया भाई सिर में, पता नहीं आज क्या होगा। और काफी सारा सामान भैंसिया ने खोल लिया अपना, ये बर्फ है ना भैंजी इसमें, बर्फ का पानी है भाई, एक ब्रश है इसके अंदर भाई, पता नहीं क्या होगा। और सोनू मैडम मुझे बहुत खुश दिखाई दे रही है आज। सोनू कितनी बार कराया फेशियल? एक बार भी ना करवाया। आज तक नहीं कराया है ना, आज पहली बार फेशियल होगा भाई इसका। ये O3 का D10 है। D10 है। अच्छा D10 क्यों है बहन जी, करीम होती है कोई? जैसे हम ब्लीच करते हैं जिनके फेस पे हेयर होते हैं ना, उनको तो ब्लीच करते हैं। मैम के फेशियल जैसे फेस पे है टैनिंग हो रखी है, तो हम D10 करेंगे O3 का। अच्छा टैनिंग हो रही है इनके फेस पे? हाँ जी। टैनिंग क्यों है बहन जी? टैनिंग जैसे धूप में जाते हैं ना, हाँ, ब्लैक ब्लैक होने लगता है। अच्छा अच्छा, तो भाई सोनू के मुंह पर टैनिंग बताई गई है, वो टैनिंग आज दूर होगी। अब शुरू हो गया भाई मैन काम, जो देखो वाह जी वाह, सफेदी कर दी है चेहरे पे। ये पूरे चेहरे पे ये करीम लगा दी भाई, और गर्दन पे थे भी। तो बहन जी कितना टाइम लगेगा अभी इसने? अभी 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट सूखने के लिए, तो 10 मिनट तैयार नहीं हुए लोटी रहेगी। सोनू आनंद आ रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? नींद आ रहा है। अरे वाह, ये जो करीम बहन जी ने लगाई थी वह 10 मिनट होगी वह उतार दी है। अभी कुछ दूसरा ट्रीटमेंट होगा भाई, क्या होगा मुझे तो पता नहीं, ये बहन जी बताऊंगी। तो बहन जी अब क्या होगा? फेशियल करेंगे। फेशियल? फेशियल अरोमा करेंगे। फेशियल अरोमा ये है? हाँ ये है भाई। चलो बहन जी आज नई नई बात पता लग्या कि ये चीज भी हो दुनिया में, जिसका अरोमा होगा वह बहुत राजी हो रही है आज। देखो ये है भाई अरोमा। अच्छा जेल सा है बहन जी उधर? हाँ, क्लीन कर रही है। ये भाई साबुन की तरिया देखो झाग हो गई इसमें, जेल सा था। ये पूजा बहन जी ने दो चीज सोनू को लगा ली है। बहन जी और कितनी चीज लगेंगी? अभी 7 स्टेप है इसमें। 7 बार? हाँ जी। अच्छा बड़ा टेढ़ा काम है बहन जी आप लोग का। तो पूजा बहन जी ये बताओ आपने कितने साल हो गए इस काम करते? मेरे को हो गए इसमें 5 साल हो गए। 5 साल मजा आवे अपने काम में? हाँ जी बिल्कुल। कुछ स्ट्रगल भी करे आपने शुरू में? शुरू में किया है मैंने, शुरू में मतलब बहुत कम पैसों में काम किया है। अच्छा बहुत ज्यादा कम पैसों में। अभी काम ठीक ठाक मिल जाए? अब काम ठीक मिल जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रगल जरूरी है बहन जी, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं। हाँ उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। मन भी बहुत स्ट्रगल करे है बहन जी, बहुत ज्यादा। शुरू शुरू में तो जैसे जाते थे ना घर में, क्लाइंट कहते हैं अभी आ जाओ, फिर कहते थे अभी चलो चले जाओ बाद में आना। होम सर्विस में ये प्रॉब्लम भी बहुत आती है। हाँ, वापिस भी आना पड़ जाए कई बार। अब कल मैं गई थी भिवाड़ी, एक मैडम ने बुलाया था मेरे को। अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरे को ये चीज करानी है आ जाओ, फिर बोले कि मेरे घर में मेहमान आ गए। अब मैं वहां से भिवाड़ी से वापिस झज्जर आई। हाँ तो इस तरह की चीजें हो जाए। मेकअप में भाई बहुत सारा सामान है, मैं तो शूटिंग पर जाऊं जब तक कराया करूं, बाकी इस तरह का कभी नहीं कराता मैं फेशियल वगैरह। और मेकअप भी इतना गंदा हुआ है दोस्तों शूटिंग पे, पूरे मुंह पर पीला पीला, मतलब कैमरे का जो मेकअप हुआ है वो थोड़ा अलग हुआ है। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर और ये 8वां नंबर है जी। ये क्या है मैडम? ये सीरम है। सीरम? अच्छा ठीक है जी, लगा दो आज इसका जो भी कुछ लगाना है सारा सब कुछ लगा दो। सोनू ने कर लिए हैं कपड़े चेंज, बनियान पहन ली भाई, और ये 7वां लेप जो है मुंह पर लगा दिया है बहनजिया ने। बहनजी कितने और लगेंगे? बस हो गया लास्ट, ये लगेगा बस। अच्छा ये लास्ट है? लगा के छोड़ देंगे। ये लास्ट है भाई। और ये कैप्सूल साहब बोलो थे? ये मिक्स करके लगेगा इसमें। अच्छा इसमें मिक्स होगा। तो जी ये 7 बार हो चुके हैं ट्रीटमेंट, 8वां अभी बाकी है, 8वां भी दिखाऊंगा। अब कितनी देर के लिए आपने छोड़ दिया ये? बस ये 5 मिनट और रखना है। 5 मिनट 8वां ठीक है। ये सारी का जी का फेशियल हो गया है चेहरे में, देखा सोनू देखा ये। अच्छा चीकना तो हो रहा है।
तो बहन जी ने भाई फेशियल कंप्लीट कर दिया है, अब बहन जी क्या करोगे? हेयर स्पा करेंगे। हेयर स्पा? तो अब इसका हेयर स्पा होगा भाई, वो और देख लो। कुर्सी वो बैठा दी है, आज दोस्तों हमारे घर पर वो काम होने लग रहा है जब किसी लड़की की शादी हो ना तो इस तरह का माहौल बने आ गया, जो आज बन रहा है। देखो कुर्सी पर बैठा दी सारी का, और ये बाल मैडम ने खोल दिए। इसके बाल कुछ कुछ सफेद भी हो रहे हैं मैडम, इनका भी कुछ इलाज हो है? कलर हो जाएगा? नहीं, कलर से अलावा मतलब ब्लैक नहीं हो सकते, कलर ही होगा, कलर ही होगा ना। दरअसल इसके बाल जो हैं वे हमने सीधे कराने हैं। आज पूजा इसके सफा कर देगी, उसके बाद एक हफ्ते बाद ना पूजा जी, एक हफ्ते बाद ये सीधे होंगे भाई। यो तो चुंडा कर दिया और ये कुछ बाल पूजा जी ने नीचे रख लिए, पता नहीं क्या होगा भाई, हमें तो पता नहीं। अच्छा ये क्रीम है जी? अच्छा जैसे कलर होया अगर है ना। अच्छा ये यहां पर देखो पूजा जी ने पूरे बाड़ा में यो जेल लगा दिया भाई, जिसने ब्यूटी पार्लर की भाषा में सपा बोल रहे हैं, है ना मैडम? हाँ जी। तो अभी क्या होगा? अभी मसाज करना है। मसाज? ये हेड मसाज है भाई, ये मसाज कर दिया भाई, आंख भी ना खोलती। तो बहन जी आज सपा हो गया और फिर होगा ये क्या बोलते हैं उस बुक को, रिबॉर्डिंग। चलो कुछ तो सीखने मिल गया बहन जी आज तक आप लोगों का। तो ये क्या कर दिया आपने? ये होटल से स्टीम दिया मैंने। हॉट टॉवल से स्टीम? जैसे सलून में मशीन से देते हैं, यहाँ घर पे हॉट टॉवल से देते हैं। अच्छा ये तौलिया गर्म है? हाँ जी। गर्म पानी से? हाँ जी। तौलिया भिगोकर इसका बांध दिया सिर पे। ये देखो भाई बेरना भाई लेडीज का के करना पड़ा है। ये हॉट स्टीम बोलते हैं इसको, है मैडम? तो भाई सोनू बताओ हॉट स्टीम लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है? सोनू का पूरा काम कर दिया है, इनका फेशियल और बाल सपा। अभी वो होगा जो वो एक हफ्ते के बाद होगा, मैंने नाम लेना नाम था। और बहन जी देखो ये पूजा जी बर्फी लेगा ये भाई हमारे लिए, और ये मेरे गांव की बर्फी है दोस्तों, मम्मन प्रसिद्ध बर्फी भंडार जो कि दुलेड़ा गांव है उसमें दुकान है इनकी बहुत पुरानी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी जो आप मेरे घर पर पधारे और सोनू जी का ये काम करे आपने। तो बहन जी जैसे कि आपने कोई बुला हुआ है तो आप आ जाओगे, है ना, घर पर? जो भी भाई मेरी भाण बेटी या वीडियो तो देखे हैं पूजा की, जिसने जरूरत हो भाई कोई भी काम कराना हो तो पूजा को फोन कर लियो। इनका नंबर वीडियो में भी चलता रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप लोग फोन करके इनसे कांटेक्ट कर सको। तो सभी साथियों को मेरी राम राम, नमस्कार। नमस्कार कर दो आप लोग भी।